हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्याज लेना है, हरी मिर्च लेनी है और लहसुन लेने हैं। आपको सत्तू लेना है, आप देख सकते हो। अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालने के बाद आपको इसमें आम का अचार डालना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद आपको इसमें गोलकी का पाउडर डालना है। अब इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज डालने के बाद इसमें लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिलाना है फ्रेंड्स, ताकि हमारे सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिल जाएं। और आपको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। और हमारा रेडी हो चुका है। अब बैंगन का भरता बनाने के लिए आपको एक बैंगन लेना है और टमाटर लेने हैं और हरी मिर्च लेनी है। लिट्टी बनाने के लिए अब आपको आटा तैयार करना है। मैंने आटा लिया है फ्रेंड्स, ये गेहूं का आटा है। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिलाना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर इसको अच्छी तरीके से गूंथना है। अब इसका लोई तैयार कर लेना है। मैंने साइज मीडियम लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको सारे लोई तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हो हमारे लिट्टी के सारे लोई तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें सत्तू ऐड करेंगे। बाकी के लोई को भी इसी तरीके से सत्तू डालकर आपको भरना है, उसी प्रोसेस से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने बैंगन को और टमाटर को पकने के लिए दे दिया है। आप देख सकते हो हमारा लोई बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे आग पर डालेंगे। आपको इसी तरीके से सारे डाल देनी है। डालने के बाद आपको इसे थोड़ी देर तक छोड़ देना है। फिर आपको इसे पलटनी है। आपको इसी तरीके से सारे को पका लेना है लिट्टी को। जब तक हमारा लिट्टी पकता है तब तक हम चोखा तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने बैंगन को भी पका लिया है, टमाटर को भी पका लिया है फ्रेंड्स, और उसके जले हुए पार्ट्स को मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद आपको इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। याद रहे आपको इसमें कच्चे सरसों का तेल ही ऐड करना है, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। फिर आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है।
अब हमारा चोखा बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हमारा लिट्टी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम उसमें घी ऐड डालेंगे। आपको इस तरीके से घी में डुबोकर लिट्टी को सर्व करना है। अब हमारा लिट्टी चोखा बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। बहुत ही परफेक्ट लिट्टी चोखा बना है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना।